क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है और राज्यसभा की कितनी सीट है। ऑप्शन थे 29, 28, 30, 31। जीरो मैटर मैंने कर दिया था कंप्लीट और काफी सही टाइपिंग है, बस मेरे को डाउट उसमें ही है। जीके जीएस में काफी ज्यादा मेरे को रीजनिंग के क्वेश्चन इतना आसान थे कि मतलब उसे कोई लॉजिक तरीके से मतलब बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। उसमें मैथ भी बड़ी इजी आई थी, जो मतलब जिसने आठवीं नौवीं क्लास को अगर अच्छे से एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और मेरे सामने अभी हैं एआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ अभ्यर्थी जो अभी एग्जाम देकर के निकले हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इनसे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्यों भाई, क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का पेपर का। अच्छा। और इसमें मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यूपी में, यूपी से ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। अच्छा। और मतलब इसमें 14 क्वेश्चन आए थे आपके पॉलिटी से, 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और बाकी आपका यूपी से आया था 15-16 क्वेश्चन के तकरीबन आया था। बाकी और भी क्वेश्चन आए थे वो भी मुझे याद नहीं है। अच्छा। पॉलिटी से पा रहा हूँ। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन याद है? पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को? क्या क्या क्वेश्चन आए थे कुछ याद है? पॉलिटी से तो मुझे भी ध्यान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत मतलब डिफिकल्टी आ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन में से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। रीजनिंग का जो 25 क्वेश्चन बनाया था। क्या क्या क्या? रीजनिंग वाला 25 क्वेश्चन जो बनाया था। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा। रीजनिंग के क्वेश्चन इतने आसान थे कि मतलब उसे कोई लॉजिक तरीके से मतलब बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। उसमें मैथ भी बड़ी इजी आई थी, जो मतलब जिसने आठवीं नौवीं क्लास को अगर अच्छे से एग्जाम दिया होगा वो इजीली उसे। टाइपिंग कैसा था? टाइपिंग था आपका इजी टाइपिंग था, ज्यादा हार्ड वर्ड भी नहीं थे। हाँ। बस वही था, जजमेंट था वो हार्ड वर्ड नहीं थे उसमें, और टाइपिंग काफी ज्यादा इजी थी। अच्छा। बस एरर कम करना था, बाकी तो क्लियर हो जाएगा टाइपिंग। हाँ हाँ हाँ। मतलब ज्यादा न्यूमरिक वगैरह नहीं डाले गए थे, बस नॉर्मली बहुत बड़े बड़े वर्ड आ रहे थे, तो स्पीड नहीं मेंटेन होगी ना तो फिर छूट जाएगा। थोड़ा तेज बोली क्या? स्पीड बना के रखनी पड़ेगी, मतलब बड़े बड़े लेंथी वर्ड आ रहे हैं ना। आपके टाइपिंग हो गए थे? टाइपिंग तो हो गई थी लेकिन मेरी गड़बड़ हो गई है टाइपिंग। अच्छा। लाइन काफी छूट गया। टाइपिंग मेरा 2 मिनट पहले सबमिट हो गया। 99.60 मैटर मैंने कर दिया था कंप्लीट और काफी सही टाइपिंग है, बस मेरे को डाउट उसमें ही है। जीके जीएस में काफी ज्यादा मेरे को डर लग रहा है, बाकी हो सके तो क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी वो तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पेपर का लेवल था मॉडरेट। अच्छा। टू हार्ड डिफिकल्टी था, मॉडरेट टू हार्ड। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे क्या? वो करने लायक थे सारे, वो इजी थे सारे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी इजी थे, यही था करने लायक। रीजनिंग और थोड़ा बहुत कंप्यूटर और यूपीजी के वगैरह, और थोड़े यूपीजी के से कितने क्वेश्चन आए थे? वही 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे यूपीजी के, इजी थे। कंप्यूटर से? कंप्यूटर से 22 थे। जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह आ रहे थे क्वेश्चन, मतलब यूपीजी के से कितने टाइगर रिजर्व है। अच्छा। मतलब काफी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, नॉर्मली फैक्चुअल थे। वो भी तो पूछा था ना, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या ऐसे क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का जन जन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है और राज्यसभा की कितनी सीट है। ऑप्शन थे 29, 28, 30, 31। आया था कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन। हाँ, ये बड़े मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। मॉडरेट मतलब एकदम हर मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। मॉडरेट क्वेश्चन थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।